क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा आज का जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या है, लोडिंग एट परसेंटेज ऑन सेल प्राइस। सर सर ठीक है, द टाटा टी लिमिटेड शिमला इज हैविंग वन ऑफ इट्स ब्रांचेस एट पुणे। इसका ब्रांच कहाँ पे? पुणे में। तो कौन सा पुणे ब्रांच है वो बनाएंगे। ठीक है, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल। तो परसेंटेज जो है सेल पे दिया हुआ है। ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड ऑल कैश डेली टू द हेड ऑफिस। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस कौन पे करता है? ब्रांच पे करता है। ठीक है, विच आर मेड बाय ब्रांच मैनेजर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ टाटा टी लिमिटेड फॉर द ईयर 2013। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे? ब्रांच के डेबिट साइड, है ना। तो क्या है ओपनिंग बैलेंस में? स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 15,000, सन्डी डेटर्स, कैश इन हैंड और ऑफिस फर्नीचर, ये एसेट्स है। अच्छा, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, उसके बाद क्या है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। ठीक है, देखो डेटर्स से वी आर रूल, हम लोग किसके बुक में काम कर रहे हैं? हेड ऑफिस के बुक में। तो हम लोग हेड ऑफिस के हिसाब से रोल प्ले करेंगे। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा वही हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। बाकी के ट्रांजेक्शन, ब्रांच किसी के साथ ट्रांजेक्शन करता है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो डेटर किसका है? ब्रांच का है। तो ब्रांच डेटर में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना कि डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये सब हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले। ठीक है, आगे क्या, एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर 250। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ब्रांच फर्नीचर एट 10%। ठीक है, और स्टॉक ऑन दिसंबर 31st 2013 एट इनवॉइस प्राइस 14,000। यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हेड ऑफिस पुणे ब्रांच पेड 10,000 टू वन ऑफ द हेड ऑफिस क्रेडिटर। ठीक है, हेड ऑफिस का कोई क्रेडिटर है उसको पुणे ब्रांच ने कितना पे किया है? 10,000। तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, फिलहाल लोग पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले क्या ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 14, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका किसका बैलेंस है? स्टॉक 15,000, फिर नेक्स्ट सन्डी डेटर्स 9,000, कैश इन हैंड कितना है? 400। फिर उसके बाद क्या है? ऑफिस फर्नीचर। वो कितना है? 1200। टोटल कितना हो गया? 2500। अगर यहाँ पे स्टॉक है ना, हम लोग लोड किस पे निकालते हैं? स्टॉक पे निकालते हैं, गुड्स सेंड किया उस पर निकालते हैं, गुड्स रिटर्न आया उस पर निकालेंगे, है ना। तो डेबिट में ये स्टॉक लिखा है तो इसका स्टॉक रिजर्व किधर लिखेंगे? क्रेडिट से। तो बाय क्या लिखोगे? स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ब्रैकेट में क्या रहेगा? लोड। क्या होता है ये? लोड होता है ना। तो ये जो 15,000 ये सेलिंग प्राइस है और अपना जो लोड है वो भी कितना परसेंट है? 20% ऑन सेल। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पर 20% कैलकुलेट करेंगे। तो 15,000 का 20% कितना होगा देखो, तो यहाँ पे कितना रेट हो गया? 3,000। क्लियर है ये? उसके बाद ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर पे आ जाओ, सेकेंड पैरा पे, गुड सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, कितना है? 80,000। इसका भी लोड निकालना होगा,
इसके लिए सेम अकाउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय सेंड टू, ब्रैकेट में क्या लिखोगे लोड, कितना परसेंट इसका 20% कितना होगा 16,000 80,000 का, अच्छा 80,000 का, हाँ 16,000 होगा ना, ये लोग लोड नहीं निकाला क्या, वो तो तुमने रिटर्न किया ना उसको भी एडजस्ट किया हुआ, चलो ठीक है आप अपने तरीके से करते हैं। ओके देखो अभी आगे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, देखो जब ब्रांच गुड्स हेड ऑफिस जब ब्रांच को माल भेजता तभी क्या लिखते हैं हम लोग गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये माल भेजा ब्रांच ने रिटर्न किया तो माल गया तो यहाँ पे लिखा ना, माल रिटर्न आया तो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड, सेम अकाउंट लिखेंगे हम लोग बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये काय के लिए लिख रहे हैं हम लोग रिटर्न के लिए, कितने का माल रिटर्न किया 1,000, यहाँ पे बाहर कितना लिखोगे, वॉल्यूम में कितना लिखा हमने 79, बुक में कितना लिखा आंसर में 79, 1,000 माइनस करके लिखा, बट हम लोग जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब इसका 20% हम लोग क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे लोड, इधर इसका लोड यहाँ पे लिखा है ना, इसका लोड यहाँ पे है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ब्रैकेट में लोड 1000 का 20% कितना होता है 200, यहाँ पे 200 ठीक है, तो 16,000 माइनस 200 करोगे ना तो 15,800 आएगा, देखो तुमने क्रेडिट साइड में लिखा होगा 15,800 लिखा। ओके नेक्स्ट अभी क्या, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, किसने गुड्स रिटर्न किया डेटर्स ने, तो डेटर्स ने अगर गुड्स रिटर्न किया तो किसके डेटर ने रिटर्न किया, ब्रांच के डेटर ने, तो ब्रांच और डेटर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग किसकी बुक में काम कर रहे हैं हेड ऑफिस की बुक में काम कर रहे हैं ठीक है। आगे क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ठीक है बाय कैश और बैंक अकाउंट, फ्रॉम डेटर्स ठीक है, कितना कैश रिसीव किया, देखो ब्रांच है ना, ब्रांच के डेटर्स ब्रांच को पैसा देंगे ठीक है, तो ब्रांच क्या करेगा पूरा पैसा रिटर्न किसको कर देगा, हेड ऑफिस को, क्योंकि हेड ऑफिस पूरा खर्चा उठाता है किसका ब्रांच का, तो ब्रांच को अपने पास पैसे रखने की जरूरत नहीं है, जो भी ब्रांच के एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन पे करता है, हेड ऑफिस ही पे करता है ना, तो ब्रांच के पास जो भी सेल के पैसे आते कलेक्शन आते हैं वो सब क्या करेगा ब्रांच रिटर्न कर देगा, किसको रिटर्न कर देगा हेड ऑफिस को ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा, फिर अगला क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो गया, बाद में कैश सेल्स, तो कैश सेल्स में ये क्या आएगा, कितना है कैश सेल्स 50,000, टोटल कलेक्शन कितना हुआ ब्रांच के पास से, ये रेमिटेंस है पता है ना, फिर नेक्स्ट अभी क्या, क्रेडिट सेल 30,000, तो सेल किसने किया होगा ब्रांच ने, किसको डेटर को, तो ब्रांच और डेटर का मैटर है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अभी क्या, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये भी ब्रांच और डेटर का मैटर है ठीक है। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस ठीक है, हेड ऑफिस ने क्या क्या एक्सपेंसेस पे किए, एक्सपेंस पे करेंगे तो क्या होगा कैश और बैंक, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन पे करता है, हेड ऑफिस पे करता है, ब्रांच का रेंट हेड ऑफिस पे करेगा, कितना है 1,200, सैलरी ब्रांच में जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी हेड ऑफिस से जाएगी। फिर उसके बाद क्या, प्रिंटिंग है स्टेशनरी, कितना 300। फिर पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर ने पेटी एक्सपेंस किया उसको हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत है। अभी
आगे देखो डेप्रिसिएशन मामले बोला है तो वो हम लोग कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। आगे स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 एट इनवॉइस प्राइस 14,000। तो स्टॉक हम लोग ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या लिखेंगे आपके बाय बैलेंस करेंट डाउन स्टॉक 14,000, ठीक है। बट ये स्टॉक कैसे इनवॉइस प्राइस पे, तो इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे लोड। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे लोड 14,000 का 20% कितना होगा 20,800 है ना। फिर नेक्स्ट अभी क्या, यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रॉम द हेड ऑफिस पुणे ब्रांच पेड 10,000, ठीक है, टू वन ऑफ द हेड ऑफिस क्रेडिटर्स। हेड ऑफिस का कोई क्रेडिटर है उसको पेमेंट कौन करना चाहिए, हेड ऑफिस करना चाहिए, बट किसने किया, ब्रांच ने किया। तो ब्रांच क्या होगा, गिवर होगा ना, क्रेडिट द गिवर, तो इसके क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय क्या लिखोगे, बाय एक्चुअली हम लोग ने क्या लिखा है मतलब हेड ऑफिस लिखा हुआ है, बट हेड ऑफिस के बुक में हेड ऑफिस नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे मालूम है, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी मालूम है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, कौन सा एचओ का क्रेडिटर, यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो एचओ क्रेडिटर, हेड ऑफिस का क्रेडिटर्स। टू पेमेंट हम कर रहे हैं, हमारी जब से जाएगा तो कैश बैंक लिखेंगे, बट पेमेंट हम कर रहे हैं क्या, नहीं, कौन पे कर रहा है, ब्रांच पे कर रहा है, तो ब्रांच यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो ब्रांच क्रेडिट है ना, तो ब्रांच के क्रेडिट साइड में क्या आएगा बाय, समझ में आ रहा कुछ, ठीक है। कितना क्लियर है सब कुछ। फिर नेक्स्ट अभी क्या, ये हो गया। अच्छा चलो, फर्नीचर ओपनिंग में हमारे पास कितने का है 1200, इस पर कितना, कभी ये बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ डिटेल दिया है क्या, नहीं। लास्ट में खाली पहला पैराग्राफ में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर, मतलब ये पूरे एक साल का हम लोग क्या करेंगे, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ओपनिंग में कितना 1200, कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाला 10%, तो 1200 का 10% कितना होएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 1200 का फर्नीचर है, उसमें से 120 चला गया, कितना बचा 1080, है ना, आया, हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ओपनिंग में और क्या है, कैश, कैश इन है ओपनिंग में हमारे पास, कितना कैश है 400। खर्चा कितना किया इसमें से देखो, हेड ऑफिस नीचे से चौथा पांचवा लाइन वो नीचे से देखो, 14,000 के ऊपर 250 रुपया लिखा हुआ है ना, 250। तो उसके आगे देखो क्या लिखा हुआ, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर ने देखो ओपनिंग में इसके बाद 400 था, अभी कितना खर्चा कर दिया 250 खर्च कर दिया, तो नेक्स्ट और क्या बचा है, देखो डेटर्स है यहाँ पे, डेटर्स या ट्रांजेक्शन, फाइनली लास्ट में हमारे पास डेटर्स कितने हमको नहीं पता है, हमें वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना कि हमारे पास कितने डेटर्स बचे, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसके रूप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग में डेटर्स कितना है 9,000, डेटर्स की कौन सी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, टू बैलेंस ड्रॉ डाउन, कितना क्लियर है ये सबको, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन हुए ब्रांच और डेटर्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, अभी रिकॉर्ड करेंगे। स्टार्टिंग से देखो, अभी सेकेंड पैराग्राफ देखो, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ, उसमें गुड्स सेंड टू ब्रांच ये नहीं आएगा,
गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये भी नहीं आएगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, यस ये आएगा ना। तो डेटर से जब हम माल बेचते हैं तो रिटर्न से बाय, इसको बोलते हैं सेल्स। कितना सेल्स पक्का 480। फिर उसके बाद क्या, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स हो गया। फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर ने पैसे दिए तो क्रेडिट में आएगा। बाय कैश और बैंक अकाउंट, तो पहले सेक्टर में तुम लोगों ने सीखा होगा ये है ना। फिर अगला क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हो गया, फिर कितना 30। ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन है क्या डेटर से रिलेटेड? नहीं है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 39,000 प्लस 480 प्लस 30 माइनस 39,000 कितना आ रहा है, 84,900। क्या लिखो के बाद ये डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस है जो कि हम लोग कहाँ लिखेंगे, 84,900। ठीक है, अब इसका बैलेंस का टोटल 1,080, 150 और 84,900 23,720। और कुछ रिकॉर्ड करने का बाकी है क्या? इसको क्या लिखेंगे, 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ठीक है, और कोई ट्रांजेक्शन है क्या डेटर से रिलेटेड? नहीं है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 39,000 प्लस 480 प्लस 30 माइनस 39,000 कितना है, 84,900। क्या लिखोगे बाय, ये डेटर्स की क्लोजिंग बैलेंस है जो कि हम लोग कहाँ लिखेंगे, 84,900। ठीक है, अब इसका बैलेंस का टोटल 1,080, 150 और 84,900 23,720। और कुछ रिकॉर्ड करने का बाकी है क्या?
वरना 33.7 है। पच्चीस छः सौ अस्सी हज़ार दो सौ 39,800 माइनस 133 कितना होगा 21 220। इसको क्या लिखेंगे? 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है।